हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज जिस टॉपिक को लेकर हम आपके सामने आए हैं, कोरोना वायरस से रिलेटेड है। वो कोरोना वायरस एक ऐसी डिसीज़, एक ऐसी बीमारी जिसकी वजह से न जाने कितने लोगों की जान चली गई है। दुनिया भर में अगर हम बात करें तो करोड़ों लोगों की जान इसमें चली गई है जो इस कोरोना वायरस की डिसीज से इन्फेक्टेड हुए थे। कोरोना वायरस, इसकी ना तो अभी तक कोई दवाई परमानेंट बन पाई है, ना अभी तक इसकी वैक्सीन कहीं पे आई है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को याद दिला दूं कि अगर अभी तक किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो के एंड में जाके मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ उसे लाइक करना ना भूलें। कोरोना वायरस को लेके एक सवाल और एक जवाब। सवाल ये क्या है, हमारे जो इस वीडियो के जो मेन पर्पस हैं वो ये हैं कि आखिर अगर सवाल है तो वो कोरोना वायरस का सवाल क्या है, किसने सवाल किया है, किससे किया है, इसका जवाब कौन देगा, और जवाब में क्या दिया गया है। सवाल ये है, सवाल सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से किया गया है जो कोरोना की वैक्सीन बनाने का काम कर रहे हैं। उनके सीईओ ने ये सवाल इंडियन गवर्नमेंट से करा है कि जो वो इंडिया यानी कि भारतीयों के लिए, इंडियंस के लिए जो वैक्सीन वो बना रहे हैं उसके लिए जो 80,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, क्या वो इंडियन गवर्नमेंट के पास है सीरम इंस्टीट्यूट को देने के लिए, उनसे वैक्सीन खरीदने के लिए। इस सवाल का जवाब उन्होंने इंडिया गवर्नमेंट से मांगा है। तो सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ का नाम है सादर पूनेवाला, जिन्होंने ये सवाल करा है। अब इसके जवाब में इंडियन गवर्नमेंट तो चुप बैठने नहीं वाली, उन्होंने भी अपना जवाब दिया है, अपना मत रखते हुए कुछ बात कही है। तो भारतीय सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 80,000 करोड़ की लागत जो लग रही है वो इस गणना से सहमत नहीं है। मंगलवार को उन्होंने इस चीज़ का खुलासा किया, और अब उन्होंने एक चीज़ और कही है, वो ये कि 80,000 करोड़ की लागत से पहली बात तो वो इस गणना से सहमत नहीं है, दूसरी चीज़ क्या, दूसरी बात ये कि वो ये समझते हैं कि 80,000 करोड़ यानी कि भारतीयों के लिए वैक्सीन में जितना भी पैसा खर्च होगा वो इंडियन गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी है, और वो उससे भारतीयों के लिए, अपने देशवासियों के लिए वैक्सीन खरीद सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं हाइलाइट्स की। तो जो भारतीय सरकार है उसके स्वास्थ्य मंत्रालय ने 80,000 करोड़ जो कि वैक्सीन भारतीयों के लिए तैयार हो रही है उसके खर्च के अनुमान को सिरे से खारिज किया है। दूसरा, स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने 80,000 करोड़ की जो लागत लगनी है उसके अनुमान को सिरे से एक तो खारिज किया है, दूसरा वो इस गणना से सहमत भी नहीं है, वो इससे सहमति भी नहीं रखते हैं। तीसरा, भूषण ने कहा कि वैक्सीन के ऊपर जितना भी खर्च होगा वो पूरा का पूरा, सारा का सारा खर्च जितना भी होगा उसके ऊपर, उसका सारा का सारा रकम, उसका पैसा सरकार के पास ऑलरेडी मौजूद है। यानी कि इंडियन सरकार जो है, इंडियन गवर्नमेंट जो है, वो इस चीज़ का दावा करती है कि जितना भी वैक्सीन पे खर्च होगा, भारतीयों के लिए जो वैक्सीन तैयार हो रही है कोरोना से लड़ने के लिए, उसका सारा का सारा खर्च, जितनी भी रकम है यानी कि 80,000 करोड़, वो उनके पास है। और पहली बात तो वो इस चीज़ का बिल्कुल भी उस चीज़ को सिरे से खारिज कर रहे हैं कि इतनी ज़्यादा लागत उसमें नहीं लगेगी, दूसरा और अगर जितनी भी लगेगी उतना सरकार के पास ऑलरेडी अवेलेबल है। एक सवाल जो हम सबके दिमाग में आ रहा होगा कि सीरम इंस्टीट्यूट है क्या, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि सीरम इंस्टीट्यूट एक ऐसी बड़ी कंपनी है जो कि वैक्सीन बनाती है, और इसके सीईओ सादर पूनेवाला ने ये सवाल करा है। ये सवाल करते हुए उन्होंने पीएमओ को टैग करते हुए इंडिया के लिए सवाल किया है कि क्या इंडिया के पास 80,000 करोड़ रुपया है वैक्सीन के ऊपर खर्च करने के लिए, वैक्सीन को खरीदने के लिए।
उनका एक ये भी सवाल था कि क्या भारत के पास अगले साल तक या अगले साल में 80,000 करोड़ रुपया उपलब्ध होगा, उनके पास रहेगा, क्या वो अगले साल जो वैक्सीन आने वाली है कोरोना वायरस के लिए, क्या उस समय इंडिया गवर्नमेंट के पास इतना पैसा होगा कि वो वैक्सीन खरीद सके। क्योंकि वैक्सीन को खरीदने और भारतीयों तक उस वैक्सीन को पहुंचाने के लिए सरकार को इतनी लागत लगेगी और इतना पैसा उन्हें उस पर खर्च करना पड़ेगा। तो हमारे पास अब ये एक अगली चुनौती है जिससे हमें लड़ना होगा और हमें इस पे विजय भी हासिल करनी होगी। पुणे वाले के ट्वीट के जवाब में भूषण ने ये लिखा है, ये बताया है कि सबसे पहले तो वो जो 80,000 करोड़ रुपए की जो एक पूरी कैलकुलेशन है वो उससे सहमत नहीं है। दूसरा कि इसको लेकर जो कमेटी बनाई गई है भारत में वैक्सीन को लेकर एक्सपर्ट्स के साथ, उनकी अभी तक 5 बैठकें हो चुकी हैं ऑलरेडी और फिलहाल ऐसी कोई कैलकुलेशन उनके सामने नहीं आई है, ना उन्होंने इसकी कोई जानकारी फिलहाल दी है। भूषण ने यह भी बताया है कि इस बैठकों में उन्होंने वैक्सीन का कितना समय रहेगा उसे बनने का या उसमें कितनी लागत रहेगी, उन सब के बारे में इन्होंने इसमें चर्चा की है। इन सारी मीटिंग्स में इन्होंने इस बात पे भी चर्चा की है कि हमें वैक्सीन सबसे पहले किसे दी जाए, किसे प्रोवाइड की जाए, इस बारे में भी इन्होंने इस बैठकों में बात की है। भूषण ने इस बात का भी खुलासा और इस बात का भी जिक्र किया है कि इन बैठकों में ये जो जितनी भी 5 बैठकें हुई हैं इनमें इन्होंने इस चीज़ का पूर्ण ध्यान रखा है और कि आखिर वैक्सीन बनने में कितनी रकम लगेगी। तो जो इनका नतीजा निकल के आया है वो ये है कि जितना भी वैक्सीन में लागत लगेगी वो सारा का सारा इंडियन गवर्नमेंट के पास उतना मौजूद है। सीरम इंस्टीट्यूट ने COVID-19 की वैक्सीन बनाने के लिए ऑक्सफोर्ड से साझेदारी की है। आदर पुणे वाले ने कुछ दिन पहले इस चीज को साफ किया था कि सभी यानी कि पूरी दुनिया में पूरे देश में सभी देशवासियों के लिए अगर वैक्सीन तैयार की जाएगी तो उसमें पूरा का पूरा जो टाइम लिमिट है वो पूरा 2024 तक सबके लिए वो तैयार हो पाएगी और 2024 तक का उसका टाइम लग सकता है। यानी कि पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो ऑल ऑफ द वर्ल्ड जो सबको वैक्सीन प्रोवाइड होगी उसका समय 2024 तक लग सकता है। सीरम इंस्टीट्यूट ने यह भी ऐलान किया है कि भारत के और भी जो देश हैं जिनकी इनकम या तो मिडिल है या फिर लो है, उनके लिए जो सीरम इंस्टीट्यूट है वो वैक्सीन $3 यानी कि 650 रुपये में वैक्सीन वहाँ उपलब्ध कराई जाएगी। तो गाइज ये थे कुछ सवाल और कुछ जवाब जो कि सीरम इंस्टीट्यूट और इंडियन गवर्नमेंट को लेकर चल रहे थे वैक्सीन के ऊपर, कोरोना की वैक्सीन कब आएगी, कितना टाइम लगेगा, कितनी लागत रहेगी, इन सब को लेकर। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो अगर अभी तक किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को पूरा एंड तक देखा करें। और वीडियो कैसी लगी आपको वो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताएं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए तो बाय, अपना बहुत ख्याल रखिए और कोरोना से भी सेफ रहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है आजकल और जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक और घातक साबित हो सकता है। जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आती है तब तक तो हमें जो प्रिकॉशन गवर्नमेंट की तरफ से हमें दी गई हैं वो हमें फॉलो करनी है बहुत अच्छे से, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग एंड एवरीथिंग। तो आप सब अपना ख्याल रखें, बहुत अच्छे से घरों में रहें और बाय।